हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम फीलिंग गुड, आई होप यू आल्सो फीलिंग गुड। फ्रेंड्स, समर सीजन चल रहा है तो हमारी स्किन के मोस्ट ऑफ पार्ट्स जो होते हैं वो एक्सपोज रहते हैं, जिससे हमारी स्किन में टैनिंग हो जाती है। स्पेशली हमारा जो फेस एरिया होता है उसमें ज़्यादा टैनिंग हो जाती है, क्योंकि सबसे ज़्यादा एक्सपोज हमारा फेस ही रहता है और सनलाइट के कॉन्टैक्ट में भी सबसे पहले फेस आता है। तो फ्रेंड्स, जब हमारा फेस टैन हो जाता है तो उसको हमारी बॉडी पार्ट्स की तरह इवन करने के लिए आज मैं आपके साथ रिव्यू शेयर करूंगी फेम डी टेन क्रीम ब्लीच का। इसके द्वारा आप अपने फेस की टैनिंग को और आपके स्किन में और कहीं भी टैनिंग है उसको रिमूव कर सकते हैं। ये डी टेन क्रीम ऑरेंज पील के साथ आती है, जो आपकी स्किन से इंस्टेंट टैनिंग को रिमूव कर देती है। फ्रेंड्स, अब इसके जो आउटर पैकेजिंग है वो येलो कलर की है और इसकी आउटर पैकेजिंग पर मैन्युफैक्चर एक्सपायरी डेट और MRP मेंशन है, और इसमें स्टेप्स भी मेंशन हैं जिनको आप फॉलो करके ब्लीच अप्लाई कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी मैं इसको ओपन करके दिखाऊंगी कि इसके अंदर मुझे क्या क्या चीज़ें रिसीव हुई हैं। सबसे पहले मुझे इसमें रिसीव हुआ है फेम डी टेन प्री ब्लीच क्रीम, उसके बाद फेम ब्लीच और एक्टिवेटर, जिनको मिक्स करके हमें अप्लाई करना है सेकेंड स्टेप, और हमें लास्ट स्टेप रिसीव हुआ है फेम डी टेन पोस्ट ब्लीच क्रीम, और इसके साथ एक स्पून भी मिली है जिसको मेजरमेंट के लिए यूज किया जाता है। अब मैं इसको अपने फेस पर यूज करके बताऊंगी। फ्रेंड्स, अब मैं इसका फर्स्ट स्टेप प्री ब्लीच क्रीम अपने फेस पर अप्लाई करूंगी। इसको अपने फेस पर आपको बस जेंटली से बस रब करके लगा देना है, इससे आपको मसाज नहीं करनी है, सिर्फ आपको इसको अपने फेस पर लगाना है। मैं अपने नेक एरिया पर भी ब्लीच लगाऊंगी, तो मैंने अपनी प्री ब्लीच क्रीम को भी नेक एरिया पर लगा लिया है। अब मैं सेकेंड स्टेप लगाऊंगी। सेकेंड स्टेप के लिए मैं फ्रेंड्स, अब मैंने अपनी ब्लीच ले ली है, और मेज़रमेंट के लिए अगर आप ये बड़ी वाली स्पून ब्लीच लेती हैं तो आपको छोटी वाली स्पून, एक स्पून एक्टिवेटर लेना है। मैं इसमें इतना एक्टिवेटर मिक्स करूंगी और इसको मिक्स कर दूंगी। फ्रेंड्स, ये मिक्सचर आपको इंस्टेंटली बनाना है, आपको पहले से मिक्स कर नहीं रखना है, और आप जब ये सेकेंड स्टेप अप्लाई करते हैं तो इससे पहले 24 आवर पहले ब्लीच को अप्लाई करने से आपको पैच टेस्ट कर लेना है, जो आप अपने ईयर के पीछे पैच टेस्ट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, हमें अपने अपनी ब्लीच और क्रीम को मिक्स कर लिया है, तो मैं आपसे बोल रही थी कि आप पैच टेस्ट कर लें। जब आप पैच टेस्ट करेंगे तो आप ध्यान रखें कि अगर आपको 24 आवर में किसी प्रकार के कोई दाने या फिर बहुत ज़्यादा इरिटेशन होती है तो आप इसको अपने फेस पर अवॉइड करें यूज़ करना, तो आप इसको अपने फेस पर यूज़ ना करें। ब्लीच लगाते समय आपको अपनी आईज एरिया और आईब्रो एरिया दोनों को अवॉइड करते हुए ब्लीच लगानी है। फ्रेंड्स, अब मैंने अपने फेस पर इसको लगा लिया है, अब मैं अपने नेक पर भी लगाऊंगी। ब्लीच लगाने के बाद आपको सनलाइट में नहीं जाना है, तो आप इसको शाम के टाइम ही लगाएं, या आप श्योर कर लें कि आप उस टाइम लगाएं कि श्योर हो जाएं कि अब आपको बाहर नहीं जाना है। और आप ब्लीच जब यूज़ कर लें उसके बाद आपको 5 to 6 आवर सोप यूज़ नहीं करना है, आप फेस पर बिल्कुल भी सोप ना लगाएं, और उसके बाद आप सोप लगा सकती हैं 5-6 आवर के बाद। तो फ्रेंड्स, मैंने अपने ये पूरे फेस पर और नेक पर ब्लीच को कंप्लीट कर लिया है, और इसको मैं अब 5 to 10 मिनट
5 to 10 या फिर 15 मिनट्स तक भी आप इसको लगा सकते हैं। आपको 15 मिनट से ज़्यादा नहीं लगाना है, उतने में ही आपको रिजल्ट मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स मैं आपको ये रिमूव करने के बाद मिलती हूँ और बताती हूँ कि इसका रिजल्ट क्या आया है। फ्रेंड्स मैंने अपने फेस को प्लेन वाटर से वॉश आउट कर लिया है। इसके बाद मैं अब फेम पोस्ट ब्लीच क्रीम लगाऊंगी और मैं ये पोस्ट ब्लीच क्रीम अपने फेस और नेक दोनों पे लगाऊंगी, क्योंकि मैंने ब्लीच भी दोनों पार्ट्स पर यूज़ की थी। फ्रेंड्स सबसे इम्पोर्टेंट चीज, फ्रेंड्स D10 ब्लीच क्रीम में कोई भी अमोनिया नहीं है, तो आप इसको अपने फेस पर लगा सकते हैं और ये आपकी स्किन को कोई हार्म नहीं करेगा। यूजली जो ब्लीचेस आती हैं उनमें अमोनिया आता है जो आपकी स्किन को हार्म पहुंचाता है। तो फ्रेंड्स आप मेरे रिजल्ट के लिए वीडियो की बिगनिंग देख सकते हो और वीडियो की एंडिंग, जिससे आपको मेरे फेस पर क्लियरली रिजल्ट दिख जाएगा। फ्रेंड्स अगर आपको मेरा वीडियो ये अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जिससे मेरे सब्सक्राइबर बढ़ें और मैं और वीडियोस भी आपके लिए अच्छे वीडियो लेके आऊं। तो फ्रेंड्स इसको चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए अगर इसको पहली बार देख रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।